सभी को नमस्ते। तो कल हम लोग को ये असाइनमेंट मिला था जिसे हमें अभ्यास करके देखना था। तो शरीर को किसी एक स्थिति में रखना है, फिर देखना है कि संकेत देने का और संवेदना को पढ़ने का निर्णय कौन लेता है। शरीर की स्थिति अगर बदली तो कैसे बदली, मैं के निर्णय से या बिना किसी निर्णय के। शरीर के साथ हर आदान प्रदान में देखें कि निर्णय कौन लेता है, मैं या शरीर। नियमित कार्य करते समय जैसे सुबह उठना, तैयार होना, घरेलू कार्य करना, ऑफिस के नियमित कार्य करना, चलना फिरना, भोजन करना आदि। कोई अचानक कोई घटना घटती है ना, तो उसे प्रतिक्रिया देते हैं। कोई आवाज, कोई स्पर्श, कोई दृश्य, कुछ भी अचानक सामने घटित होता है तो उससे हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं। वो भी हम देखें कि उसमें मेरा निर्णय शामिल है कि नहीं। जब गहरी सोच में बने हुए हैं तब भी हम देखें कि निर्णय कौन ले रहा है उस समय और शरीर सब क्या आदान प्रदान हो रहा है। इससे एक निष्कर्ष पे अपने को पहुंचने की जरूरत है और उसे दिन भर अपने को देखना था कि शरीर के साथ जो सूचना का आदान प्रदान मैं कर रहा हूँ कितनी देर कर रहा हूँ, कितनी देर मैं क्रियाशील स्वयं में हूँ, कितनी देर मैं शरीर का आदान प्रदान कर रहा हूँ, किसका निर्णय शामिल है। इन सारी बातों को कल ऑब्जर्व करने की बात थी। तो कल असाइनमेंट को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न बना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। लगता है जितनी चर्चा हम लोगों ने की उससे वैचारिक रूप से तो हमें स्पष्ट हो जाता है ना कि निर्णय तो मैं ही लेता हूँ, शरीर नहीं। उसे जांचते हैं तो ये बात स्वीकार भी होती है, बट इसको अब ऑब्जर्वेशन में ले आना है कि एक एक हरकत में शरीर के द्वारा क्या हो रहा है और मैं के द्वारा क्या हो रहा है। अगर ब्रीफली रिकैप करें तो अभ्यास दो में हम मैं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं और इसके पहले स्टेप में हमने मैं और शरीर इन दो वास्तविकताओं को अलग अलग पहचानने का अभ्यास किया। स्टेप टू में हमने मैं और शरीर में जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखा और पाया कि मैं शरीर को संकेत देता हूँ आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार, और शरीर में क्रियाएं बहुत सारी हो रही हैं जो संवेदना के रूप में मुझ तक पहुँचती हैं, उसे मैं पढ़ता हूँ आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार। यहाँ पे भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं है। उसके साथ ही है ना स्टेप थ्री में हमें लिखा कि निर्णय किसका है इस आदान प्रदान में। ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि इन बिंदुओं को सामने रखकर कुछ देर ऑब्जर्व करते हैं, 10 मिनट है ना, फिर उसके बाद आगे चर्चा लेके चलेंगे।
बढ़िया। जैसे अभ्यास एक में हम भाव के प्रति सजगता को बनाए रखेंगे, वैसे ही हम जो संवेदना आ रही है शरीर से उसके प्रति सजगता को बनाए रखेंगे। जी नमस्ते भैया। जी नमस्ते। नमस्ते सभी को। भैया, एक ऐसा सवाल बन रहा था कि कई बार कोई दुखद घटना का समाचार मिलता है तो हम रोना चाहते हैं, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे होते हैं कि हम अपने आप को रोने से रोकते हैं कि रोते हुए अच्छा नहीं लगता, या रो देना इमोशनली वीक हम दिखते हैं इस हिसाब से। तो एक ऐसे रोकने वाला एक इंटरनल फोर्स वर्क करता है, एक मैं तो उसको संस्कार के तौर पे अभी समझ पाई हूँ, लेकिन फिर एक ऐसा भी इंटरनली ये आता है, इंडिकेशन आता है कि रो लो अच्छा लगेगा, फ्री हो जाओ। तो ऐसे दो अलग अलग टाइप के जो मुझे ये मिल रहे हैं, इंटरनली इंसाइट्स मिल रहे हैं, तो इसमें से कौन सा मैं बॉडी से समझूं और कौन सा मैं सेल्फ से आ रहा है ऐसे समझूं, जो फीलिंग आ रही वो बॉडी से आ रही है ऐसे समझूं, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई सूचना आती है और सूचना दुखद है, ये हमारा निर्णय होता है। तो सूचना तो सूचना है, तो ये जो हम अर्थ देते हैं कि दुखद है, तो हमारा अपना निर्णय होता है। तो हम उस सूचना से दुखी हो या ना हो, ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो हो सकता है कोई बहुत ही इस तरह घटना है, किसी की मृत्यु, कोई ऐसी घटना है ना, तो उसको भी अगर हम ठीक से समझ पाते हैं, तो हम उससे दुखी नहीं होते, उस घटना को हम ठीक से समझ पाते हैं और उसके अनुसार हम अपना कार्यक्रम बना पाते हैं कि अब मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। तो एक बात तो ये है, मैंने दूसरी बात की, अब हमने कोई अर्थ दिया और उससे हम दुखी हो गए, अब दुख को एक्सप्रेस करें कि ना करें, तो उसमें हमारे अंदर कई विचार चलते हैं। तो जैसे ये भी हो सकता है कि हम दुखी तो हुए जो हमने अर्थ दिया उसके आधार पर, और उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ना, उसको अपने आप में बना के रखे हैं, उसका मुझ पर प्रभाव पड़ रहा है, उसका आसपास जो लोग हैं उन पर भी एक प्रभाव पड़ रहा है। ये भी हो सकता है कि लोग कह सकते हैं कि देखो, इतना निकट संबंधी था, उसकी मृत्यु हो गई और ये व्यक्ति की आंख में एक आंसू तक नहीं है, जरा सा भी रो नहीं रहा, इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि उसके अंदर उसके प्रति कोई स्नेह का भाव नहीं था। लोग ये भी अर्थ दे सकते हैं, ये भी अर्थ दे सकते हैं कि व्यक्ति अपने आप में कितना समझदार है कि ऐसी घटना के बावजूद अपने आप को रोक पा रहा है ना, आंसू नहीं निकलने पा रहे हैं। तो दोनों ही अर्थ मिल सकते हैं। तो ये ऐसा भी नहीं कि हमको रोक के रखना है, ऐसा भी नहीं कि हमको रोना है। मूल बात तो ये है कि अगर हमारे अंदर सही समझ, सही भाव होता है, तो हम अपने आप में दुखी परेशान नहीं होते, उस चीज को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। जैसे अभी कभी देखें तो क्या घटना घटेगी, पूरी प्रकृति में क्या घटना घटती है, चैतन्य निरंतर बना रहता है ना, जड़ सामयिक रहता ही है। अगर हमको मैं और शरीर का संयुक्त को ठीक से समझ में आए, तो हमको दिखता है कि शरीर में तो हर क्षण परिवर्तन हो ही रहा है। अभी भी मैं शरीर के साथ हूँ, शरीर का भाग नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ। तो इसमें कोई अनुकूल घटना भी हो सकती है, प्रतिकूल भी हो सकती है, वो जो मेरे साथ हो सकता है, मेरे परिवार के सदस्य के साथ भी हो सकता है। ये बातें जो हमको पूर्णतया समझ में आती हैं, परंतु विचार की बात नहीं है कि विचार में हमने ऐसा अपने आप में बैठा लिया, विश्लेषण कर लिया। हमको जब पूरा ये का बोध होता है, समझ में आता है, तो उसका हमारी कल्पनाशीलता से एक निश्चित एक निश्चितता बनी रहती है, उसका एक निश्चित प्रभाव रहता है, तो हम जो अर्थ लेते हैं वो भी निश्चित रहता है। तो मुद्दा मेनली वो है। अब अगर हम किसी ऐसी घटना पे दो विचारों को लेकर चल रहे हैं, तो फिर हमारे में द्वंद्व तो होगा। अब इसमें आप देखें तो शरीर में तो कोई घटना हुई, कोई बाहर से सूचना किसने दी, कान में घटना हुई, उसको सूचना मुझ तक मिली, अर्थ तो मैंने दिया, तो दुखी सुखी होने का निर्णय मेरा है। तो शरीर में तो सिर्फ भौतिक रासायनिक क्रिया हो रही है, शरीर न रोना चाह रहा है, न शरीर है ना आराम में बने रहना चाह रहा है, चाहना जो है मुझ में है। तो शरीर को अगर हम देख पाते हैं, तो शरीर में सिर्फ भौतिक रासायनिक घटनाएं दिखाई देती हैं, अपने आप में सारा दिखाई देता है, भाव, विचार, अर्थ देना, मान्यताओं से ग्रस्त होना, या फिर समझ को सुनिश्चित कर पाना, सारा मुझ में होता है। तो जैसे अभी हम हैं वैसे हम एक्सप्रेस करेंगे। अब अगर हम किसी ऐसी घटना पे बहुत जोर जोर से रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं,
इसका एक अर्थ समाज को या आसपास लोगों को तो ये भी जाता ही है कि व्यक्ति में समझ का अभाव है, नहीं तो इतना व्याकुल उद्विग्न नहीं होता घटना से। तो जो कई बार सोशल नॉर्म्स बन जाते हैं वो इसी प्रकार से बनते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे में सही समझ सही भाव हो। तो अगर हमारे में सही समझ होगी तो हम दूसरे परेशान नहीं होंगे, सही भाव होगा है ना तो भी परेशान नहीं होंगे। बट ये भी हो सकता है कि भाव नहीं है ना, और इसलिए भी हम नहीं रो रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई एक्सीडेंट करके सड़क किनारे पड़ा हुआ है, हमारे अंदर वो स्नेह का भाव नहीं आ रहा उसके प्रति, हम फोटो खींच रहे हैं, हम वहां से गुजर जा रहे हैं, तो ये भी एक सहस्वीकृति नहीं है कि कोई ऐसे भी करे, या परिवार में कोई ऐसी अशुभ घटना हो गई और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो बेसिक एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि हम हमारे अंदर सही भाव हो, स्नेह का भाव हो है ना, उस स्नेह के भाव के साथ भी हम समझ के साथ अपने आप में एक निश्चित स्थिति को बनाए रख पाए। तो समाज की जो अपेक्षा होती है वो ये होती है, किसी को कई बार हम नहीं देख पाते तो हम फिर विचारों से चलते हैं, दो विकल्पों के बीच में विचार करते रहते हैं। राइट नमस्ते सभी को। सवाल उठाया कि जो कुछ भी करता है वो सेल्फ ही करता है, अगर हम रोना चाहते हैं तो भी सेल्फ बोलता है, अगर हम चुप रहना चाहते हैं तो भी सेल्फ बोलता है। इसमें मेरे जानने के हिसाब से बॉडी का ज्यादा रोल नहीं है। जब तक मेरा सेल्फ मुझे ये नहीं बोलता कि रो तो मैं रोऊंगा नहीं, जब तक मेरा सेल्फ कुछ नहीं चाहता मेरी बॉडी थोड़ा कुछ सा नहीं भैया करती। अभी आपको रोक ले 2 मिनट के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए, ये मेरा सेल्फ ना कहें आप, मेरा सेल्फ मुझको बोलता है, मतलब सेल्फ और मैं अलग हो गए क्या? तो आपका पहला भाग तो बिल्कुल ठीक है कि निर्णय मैं कहा, अब हम भाषा को और थोड़ा ठीक कर ले, तो मेरा सेल्फ मुझको बोल रहा है ऐसा नहीं है अच्छा ना, सेल्फ तो मैं ही हूँ ना। मतलब हाँ, मेरा बोलने की जरूरत नहीं है, सेल्फ सेल्फ बोल रहा है। हाँ, और सेल्फ में मैं अपने आप को बोल रहा हूँ जी। हाँ। तो फिर बॉडी जो रोना शुरू करती है, रोना जो करते वो तो बॉडी करती है ना, हाँ है कि नहीं? तो जब तक मैं वो सूचना देता नहीं कि मुझे अभी क्या बोलते हैं रोना चाहिए, या मुझे अभी मेरा भाव दुख का हो रहा है, तो ये सब अपने मैं के ऊपर ही, यानी अपने मैं को, यानी अपने, फिर से मैं अपने शब्द यूज कर रहा हूँ, मैं को हमें इतना स्ट्रांग करना चाहिए कि उसके ऊपर बाहरी कुछ ही इसका कुछ प्रभाव ना हो। जी भैया बराबर है? अच्छा नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। स्ट्रांग वही इसी। करना हुआ है ना, ये तो फिर हमको कंडीशनिंग करनी हुई कि कुछ भी हो जाए है ना, मैं एक आंसू नहीं गिरने दूंगा अपनी आंखों से, वो हाँ जैसे हाँ फिल्मों में हाँ हाँ दिखाते हैं वही कई बार है ना, मैं अपना इतना स्ट्रांग बनाऊंगा कि किसी घटना से मैं है ना परेशान नहीं होऊंगा, एक आंसू नहीं गिरने दूंगा, बट अल्टीमेटली उसे सुखी तो नहीं हुए ना। तो हम तो जैसा है वैसा उसको देखेंगे, स्वीकारेंगे है ना, वैसा एक्सप्रेस भी करेंगे आवश्यकता अनुसार, ठीक, उसमें कोई जी हमारा ऐसा नहीं कि हम कोई चालाकी का प्रयोग करेंगे या है ना, ना हम अपने अंदर कोई हठ करेंगे, जिद करेंगे। हम समझेंगे जब, तो नेचुरली हम दुखी नहीं होंगे, बट हम दुखी हो गए और दुख को हम एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे हैं, या अपने आप में हम कोई मान्यता बनाकर अपने आप को उस दुख से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब अनावश्यक है। हम समझेंगे तो अपने आप सुखी रहेंगे। अब हम दुखी हो गए, अब दुख को मैं रोक के रख रहा हूँ है ना, उसके साथ मैं अपने अंदर कोई हठ बना रहा हूँ, कोई मैं हाँ जिद पकड़ रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगा वैसा नहीं करने दूंगा, ये सब नहीं करने, मतलब आवश्यकता नहीं है। तो स्ट्रांग बनाने का मुद्दा नहीं है ये, हाँ कई हाँ बार हम है ना ये स्ट्रांग वर्ड का या स्ट्रेंथ का इस रूप में कई बार प्रयोग करते हैं है जी जी ना, कि अपने आप को इतना बुलंद बनाना है, इतना स्ट्रांग बनाना है, ऐसा नहीं, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। हमें सहज होना है ना कि स्ट्रांग होना है, वही कंडीशनिंग है ना, हमने अनावश्यक रूप से अपने ऊपर एक बोझ डाल दिया जी जी भैया कि नहीं। हाँ, मतलब सहज स्वीकृति में चलना, ये अभी का जो हमारा डिस्कशन चल रहा था कि अगर रोने की इच्छा है या रोने का समय है और सेल्फ बोलता तो रो लेना चाहिए। तो ये मैंने कहा ना, मूल बात यह है कि अगर हमको समझ में आता है तो हम दुखी नहीं होते हैं, अच्छा समझ में आती है घटना, जैसे अभी शरीर में कुछ हो जाए है ना, ये तो जड़ है, हाँ इसमें तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है हमेशा, जी जी वैसे ही बिल्कुल हमारे संबंधी के शरीर में भी कुछ ना कुछ हो रहा है, तो बात हमको समझ में आती है, हम हाँ उसे बिल्कुल जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करेंगे ऐसी किसी घटना पे है ना, बट हमको अगर समझ में आता है तो हम उससे दुखी परेशान नहीं होंगे, बट हमारे अंदर स्नेह का भाव बना हुआ है। तो मैंने कहा ना कि एक स्थिति है कि हमारे अंदर समझ है तो भी हम दुखी परेशान नहीं हो रहे, दूसरी स्थिति है कि हमारे अंदर समझ नहीं है
ना, बट स्नेह का भाव भी नहीं है तो भी हम दुखी परेशान नहीं होंगे। तीसरी स्थिति है कि समझ है ना, भले स्नेह की पूरी समझ ना हो परंतु संबंध की स्वीकृति बनी हुई है। समझ नहीं है, संबंध की स्वीकृति बनी से हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, ठीक। और फिर उसमें हम मतलब दो चॉइस रह जाता है, अपने दुख को एक्सप्रेस करें कि ना करें। मैंने कहा ये सारा कैलकुलेशन विश्लेषण तब है ना जब हम अपने आप में समझ को इंश्योर नहीं कर पा रहे। जी जी समझ जी, को जी, इंश्योर जी कर पा रहे हैं तो मेरे अंदर समझ बनी रहती है, स्नेह का भाव पुष्ट रहता है, उसके साथ अपनी जिम्मेदारी भागीदारी को देख पाते हैं, वैसा ही एक्सप्रेस करते हैं, वैसा हम शेयर करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते सर, मेरा कहना ये था कि ये डिपेंड करता है कि आपकी अटैचमेंट उस व्यक्ति से कितनी है, उसके ऊपर भी यह डिपेंड करेगा कि जैसे किसी व्यक्ति के प्रति जो गुजर गया है उसके प्रति मेरा अगर अटैचमेंट बहुत क्लोज है तो आपसे आप वहां पर रोना आ जाएगा, लेकिन अगर मैंने किसी व्यक्ति को देखा नहीं है और कुछ समाचार ऐसे ही मिल जाता है तो वहां जाकर भी उसका और मेरा अटैचमेंट अगर नहीं होगा तो मुझे रोना आएगा ही नहीं। हाँ, भले ही मैं मेरा दुख उस आत्मा के प्रति व्यक्त करूंगी, लेकिन यह जो बॉडी की रिएक्शन है ये डिपेंड करता है कि आपकी उस व्यक्ति के अटैचमेंट कितनी है, उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है ना सर। जी, तो उसको ही थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें, अटैचमेंट वर्ड भी जो हमने प्रयोग किया ना, हाँ, जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो अफेक्शन का है, अटैचमेंट का। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो अगर हमारे अंदर अफेक्शन की फीलिंग समझ के आधार पर सुनिश्चित रहती है तो भी हम दुखी परेशान नहीं होते। यदि अफेक्शन इंश्योर्ड नहीं है हमारे में तो हम कभी अटैच होते रहते हैं, है ना, उसी परिवार के साथ, है ना, हमारा अनुकूल व्यवहार करता है तो अटैच नहीं करता, हम अटैच नहीं रह पाते। ये अल्टीमेटली अटैचमेंट जो है वो अधिमूल्यन की स्थिति है। तो ये बात ठीक है, अभी तो हम देखें तो हम अटैच होते ही हैं आमतौर पे जीने में, किसी के अटैच होते हैं, किसी के अटैच नहीं होते हैं कि नहीं, बिल्कुल अभी तो ऐसी स्थिति रहते हैं, किसी के घटना के साथ हम दुखी परेशान होते हैं, किसी का दुखी नहीं होते हैं, अभी तो ऐसा होता रहता है। बट उसके साथ हम ये भी देखें कि हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, तो अफेक्शन के लिए है, वो तो ट्रस्ट के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। तभी हमको परिवार के हर सदस्य के बारे में दिखता है कि ये अभी मैं इसको शरीर रूप में देख रहा था बट ये शरीर नहीं है, मैं शरीर का अस्तित्व है, मैं तो निरंतर बना रहेगा, शरीर सामयिक है ना, उसमें क्षण परिवर्तन हो ही रहा है, किसी क्षण कोई मेजर परिवर्तन भी हो सकता है। अगर हमको बात दिखती है तो हम उस मैं के साथ भी ज्यादा अच्छा निर्वाह कर पाएंगे, शरीर के साथ ज्यादा निर्वाह कर पाएंगे, और हम किसी भी घटना को हम पहले से ही समझ पाएंगे। अगर पूरी प्रकृति में देखें तो जड़ में परिवर्तनशीलता होता ही रहता है, चैतन्य निरंतर है, बना रखा है, इन दोनों का योग संयोग है ना, ये सामयिक है। तो मैं और शरीर का अस्तित्व सामयिक है, ये बात हमको समझ में आती है। तो हम परिवार किसी सदस्य को जब देखते हैं तो उस पूरी समझ के साथ इस सामयिकता को स्वीकारते हुए देखते हैं और फिर अपनी जिम्मेदारी को समझ पाते हैं कि जो समय उपलब्ध है जिसमें यह शरीर इस मय के लिए साधन के रूप में बना हुआ है, उस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करें ताकि इसकी समझ विकसित हो, ताकि इसके अंदर ज्ञान की पूर्णता हो। इतनी जिम्मेदारी से देखते हैं फिर अगले व्यक्ति को। थैंक यू सर। जी भैया नमस्ते। मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए हम प्रयास कर रहे हैं किसी चीज का करने का और दुख इस चीज का हो कि हमारा प्रयास बार बार विफल हो गया, बार बार हम अपने संस्कारों से जो ऊपर चल रहे हैं और एक गति मिलती है फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर उसके लिए प्रयास करते हैं, फिर कुछ ऐसा होता है कि एक्सप्रेशन हमारे गड़बड़ हो जाते हैं और बॉडी का बिहेवियर चेंज हो जाता है, फिर उसको करेक्ट करने में लगते हैं। तो क्या ये भी दुख की श्रेणी है या ये जो हमारा सेल्फ है उसको समझ कि हाँ गलती हुई है फिर दोबारा ठीक करने के प्रयास कर रहे हैं? भाई तो अभी अपने आप में देखें तो हमारे अंदर बहुत सारी मान्यताएं बनी हुई है, जैसे अभी जो हमने डिस्कस किया है ना, तो संबंध को लेकर मान्यता बनी हुई है कि क्या ठीक है, अटैचमेंट ठीक है, अफेक्शन ठीक है या डिटैचमेंट ठीक है ना, डिटैचमेंट को भी कई बार हाईली प्लेस किया गया है। तो अभी इसको लेकर मान्यता बनी हुई है, मानव को लेकर मान्यता बनी हुई है, मैं है, शरीर है, दोनों का अस्तित्व है, क्या है ये बहुत स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह से हमारे अंदर बहुत सारी मान्यताएं बनी रहती हैं और हम उनके कई बार प्रभाव में जीते ही हैं। तो कई बार हमारे सामने जब सही का प्रस्ताव आता है तो हमारा ध्यान अपनी सहज स्वीकृति पर जाता है,
परंतु थोड़ी देर तक ध्यान दे देते, फिर हम स्लिप होकर अपनी पुरानी मान्यता में चले जाते हैं, क्योंकि एक समय के बाद या एक किसी अवसर में हमको लगता है कि इसी मान्यता से जीकर सुख मिलेगा, क्योंकि सही स्पष्ट नहीं है, इसीलिए हमारे अंदर वो उथल पुथल या इस तरह की स्थिति बनी रहती है। कभी हम सही जीते हैं, कभी हम गलत जीते हैं, पुरानी मान्यता में शिफ्ट हो जाते हैं, ये बना रहता है, क्योंकि अभी हमने जांचने का काम पूरा नहीं किया है, जीकर देखने का काम पूरा नहीं किया है, इसे समझ की पूर्णता नहीं है। भैया एक प्रश्न और था कि जो ये सेल्फ दुखी हुआ, मान लीजिए हमने यही निकाला निष्कर्ष कि अभी जांचने का जो हमारा काम है वो पूरा नहीं हो पाया और उससे जीने का भी कार्यक्रम पूरा नहीं ठीक से बन पा रहा है, और हमारा जो मूवमेंट है कभी सुख की तरफ कभी दुख की तरफ, यानी हम कहीं ना कहीं इस स्थिति में है कि सुख ही आवश्यक है, इससे सुख भी आवश्यक है, इसमें चले जा रहे हैं, तो मतलब ये अगर हमारी बार बार ये चीज आ रही है कि नहीं यार ये चीज नहीं, हमें उधर ही चलना है या उसी डायरेक्शन में चलना है, चलो एक बार दोबारे अवेयर अपने आप को अवेयर करते हैं, अपनी इमेजिनेशन को साधते हैं, तो इसका भी जो दुख है कि हम बार बार उधर गए, तो इसको भी दुख की संज्ञा देंगे या हम ये कहेंगे कि अभी हम उसको विचार कर रहे हैं कि भाई हमने गड़बड़ करी है, फिर से दोबारा ठीक करने का प्रयास करते हैं, ये क्या चीज, इसको क्या संज्ञा देंगे आप? ये संज्ञा तो इसको सजगता देंगे। तो पहले हम मान्यताओं में जी रहे थे, है ना, बेहोशी में जी रहे थे, पता नहीं था, अब पता लग जा रहा है तो एक बेहतर स्थिति हुई। कई बार ये भी होता है कि जब पता लगने लगता है ठीक, और बहुत सारी मान्यताएं और बहुत सारा अपने अंदर नासमझी दिखाई देता है, तो उससे हम कई बार और दुखी परेशान होते हैं, बट बेहतर बात यह है कि हम सजग हुए, पहले के मुकाबले हम बेहतर स्थिति में हैं, पहले बेहोशी में थे अब सजग हुए, जैसे शरीर में कोई रोग हो हमको पता ना हो, चेकअप कराने गए 10 कमियां निकली, अब हम परेशान हो गए कि है ना अब क्या होगा, तो 10 कमियां हैं हमारे शरीर में। तो वैसे ही जब हम सजग होते हैं तो हमारे अंदर की स्थिति बन सकती है कि हम पहले से ज्यादा परेशान हुए, पहले बेहोशी में चल रहे थे, हमको लगता लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही, स्मूथ सेलिंग हो रही है लाइफ में, है ना, बढ़िया सब कुछ चल रहा है, अब पता लगा कि भाई अल्टीमेटली ज्ञान तो हो नहीं रहा है ना, अभी तो सामयिकता में, टेम्पररीनेस में, संवेदनाओं में, मान्यताओं में ही जी रहे थे, अब हमारी स्थिति थोड़ी बदली, हम सजग हुए तो और परेशान भी हुए, बट ये पहले से बेहतर स्थिति है, अब हम एक एक करके काम कर रहे हैं, उसमें भी कई बार हम स्लिप हो जाते हैं, तो बेहोशी के मुकाबले तो बेहतर स्थिति है, और इसको सुख ना भी कहें तो कम से कम सुख की ओर हम गति तो कर रहे हैं जी। लेकिन भैया जो बेहोशी में करते थे ना उसको हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते थे, बार बार जांचते परखते नहीं थे कि कहाँ गलती हुई, लेकिन जब हम सजगता के साथ अब मान लीजिए कहीं फिसलते हैं तो उसको हम जांचते परखते हैं, तो उससे दुख का लेवल और बढ़ जाता है कि यार इतना करने के बाद फिर से वही स्थिति में आ रहे हैं, वही लगता है ठीक है। जैसे अभी लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, शरीर एकदम हेल्दी है, आप चेक कराने गए, डॉक्टर ने बता दिया कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बहुत हाई है आपका, अब परेशानी शुरू हो गई थी तो वैसे ही है, तो हमको जब अपने में कमी दिखती है कई बार तो हम परेशान होते हैं कि बताओ ये हालत है मेरी और मुझे पता ही नहीं था, बट कम से कम अच्छी बात तो ये है कि अब पता लग गया रोग का, तो निवारण के लिए काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, मैं कहता हूँ कि सेल्फ बॉडी के बारे में जो हम लोग डिस्कशन अपना कर रहे हैं, तो कहीं हमें लगता है कि हमें निश्चितता नहीं रहती, मतलब हम कई बारी सेल्फ बॉडी को एक ही चीज समझ लेते हैं, भाव को, जनरली हमारे आचरण को, हमारी सोच को, उसको हम अलग नहीं कर पाते। मेन मकसद जो हमारा यही है कि हमें अपने आचरण में निश्चितता लाना है। अब मैं जैसे चीज सोच रहा था कि हाँ, मेल और फीमेल में अक्सर हमने देखा है कि फीमेल्स जो है वो जल्दी से रो लेते हैं, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, और मेल लोग हैं हम लोग थोड़ा हम रो नहीं पाते, कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है। अभी परसों ही मेरी सिस्टर है, उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गया, अचानक से सडन उनको हार्ट अटैक आ गया, तो वहाँ देखा जितनी फीमेल्स वगैरह थी वो सारी एकदम से रोने लगी, जो भी लेडीज आती मेरी सिस्टर के पास वो सारी की सारी रोनी, हम लोग जेंट्स लोग जो है इतना नहीं उस वो रो रहे थे हम लोग, मतलब थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा ये देखा जा रहा है कि शायद सेल्फ और बॉडी का हर व्यक्ति में अलग अलग थोड़ा सा समझने की वो होता है व्यवहार, थोड़ा आप इसी प्रकाश डाल दीजिए प्लीज।
जी ये तो है कि अभी तो हम सेल्फ और बॉडी की क्लैरिटी के बगैर जी रहे हैं, उसके साथ हम बहुत सारी चीजों से प्रभावित रहते हैं, मान्यताओं से, है ना, संवेदनाओं से। तो शरीर की रचना बनावट के आधार पर या जीने के तरीके के आधार पर हमारा अलग अलग एक्सप्रेशन रहता है। तो अभी देखें तो स्त्री और पुरुष का शरीर का बनावट अलग प्रकार से है, ठीक है, उसके आधार पर जुड़ाव भी हमारा कई बार अलग प्रकार से रहता ही है ना, जिस तरह से हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो किसी का ध्यान शरीर के पोषण संरक्षण पर ज्यादा रहता है, किसी का ध्यान समझ पर ज्यादा रहता है, तो ये भी एक वेरिएशन दिखाई देता है। उसके साथ समाज में बहुत सारी मान्यताएं भी बनी हुई है ना, बहुत सारे नॉर्म्स भी बने हुए हैं, स्त्रियों के लिए एक प्रकार से नॉर्म्स बने हुए हैं, पुरुषों के लिए अलग प्रकार से नॉर्म्स बने हुए हैं। अब उन सबके मेल जोल के साथ हमारा अलग तरह का एक्सप्रेशन होता है। इन जनरल दिखाई देगा कि स्त्रियां बहुत खुल के रोती हैं, है ना, ज्यादा रोती हैं, पुरुष थोड़ा कम रोते हैं, ऐसा होता है ना। एक्सप्रेशन भी अलग अलग प्रकार से, किसी घटना पे आप देखें तो एक्सप्रेशन अलग प्रकार से, उसे बहुत सारी चीजें आपस में मिली हुई है। कि अभी हम परिवार में संबंधों का जिस प्रकार से निर्वाह करते हैं, अब जैसे अगर कोई शिशु उत्पन्न होता है तो देखिए तो माता के गर्भ से उत्पन्न होता है, तो शरीर में बना हुआ है 9 महीने तक, उसके कारण एक जो स्वीकृति बनती है संबंध की एक प्रकार से बनती है। पुरुष के शरीर से निकला नहीं तो वहां पर स्वीकृति हो सकता है अलग प्रकार से बनती है, ठीक है ना। वहां भी दोनों में स्नेह है ही, ऐसा हम नहीं कह पाते, हो सकता है जिसको भी अटैचमेंट कहा जा रहा था, मूल्यांकन कर लिया हमने, वो ज्यादा हो। तो अगर किसी ऐसे शिशु के साथ कुछ घटना घटती है तो माँ पे एक तरह का प्रभाव पड़ेगा, पिता पे दूसरे तरह का प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसा पूरा वेरिएशन हो सकता है। हस्बैंड वाइफ रिलेशन में भी है ना, वाइफ की भागीदारी एक प्रकार की है, हस्बैंड की भागीदारी अलग प्रकार की है, तो उसका प्रभाव अलग प्रकार से रहता है, एक्सप्रेशन वेरिएशन हो सकता है। बट ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, स्त्रियां ज्यादा रोएंगी पुरुष कम रोएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है, ये ठीक है। समझ होगी तो दोनों ही दुखी परेशान नहीं होंगे, रोने के बजाय हम अपने जिम्मेदारी को स्वीकारेंगे और उसका निर्वाह भी करेंगे। अभी कई बार ये होता है कि कोई घटना हुई, हमने बहुत दुख एक्सप्रेस किया, रोए, है ना, उसके बाद बट जब जिम्मेदारी के निर्वाह की बात हुई तो हम पीछे हट गए। तो ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक्सप्रेशन में रोना ज्यादा दिखाई देता है ना, किसी को रोना कम दिखाई देता है, बट जब जिम्मेदारी को स्वीकारने की बात होती है तो किसी में ज्यादा जिम्मेदारी का निर्वाह का भाव दिखाई देता है, किसी में कम भाव दिखाई देता है, ये सारा वेरिएशन भी हो सकता है। तो ये शरीर की बनावट है ना, या शरीर के आधार पर जो जीने का अभ्यास है, उन सबको लेकर आप देखें, प्लस के साथ जो मान्यताएं बन जाती है समाज में, उन सबके योग सहयोग के आधार पर ये एक्सप्रेशन हो रहे हैं। आपने सही कहा। एक चीज जब हम लोग अपने सेल्फ और बॉडी के 10 मिनट्स का अपने टाइम दिया था कि हमने सेल्फ और बॉडी को एक्सप्लोर करने के लिए कि सेल्फ के है बॉडी के, तो मैं ये देख रहा था ज्यादा कि औरों को नहीं पता, लेकिन हम अपने में और बॉडी में साथ साथ में बाहर का ख्याल जरूर आता है लोगों का, उनका आचरण वगैरह वो एकदम से माइंड में आता रहता है, तो वो उससे हमारा अपना सेल्फ तो चेंज, बॉडी तो निश्चित है, बॉडी में तो कहीं इतना नहीं, लेकिन जो मेरा सेल्फ है वो जो है, जैसे सपोज मान के चलो मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं अपने आप को अच्छा मान रहा हूँ, मेरा सेल्फ बॉडी कह रहा है हाँ मैं सुंदर हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन बाहर किसी ने कुछ कह दिया तो वो एक माइंड में अब उनके थ्रू एक तरह से व्यूज को भी देखने लग जाते हैं, तो हम बाहर से भी थोड़ा इफेक्टेड हो जाते हैं। कई बार हम लोग जैसे पार्टी में जा रहे हैं, हम अच्छा हो रहे हैं, तो 99 लोगों ने अच्छा कह दिया, एक ने बुरा कह दिया, तो हमारा उस पर ध्यान आ जाता है। तो सेम सिचुएशन से ही आती है कि जब हम सेल्फ को देख रहे हैं अपने, तो सेल्फ को वो कहीं ना कहीं दूसरे के जो आचरण है उससे थोड़ा विचलित हो जाता है इस प्रकार से। देखिए अभी तो बहुत सारा कुछ होता ही रहता है, अगर अपने जीने का आकलन करेंगे तो बहुत सारा वेरिएशन है। जो अभी बात हो रही थी ना कि जिस तरह से रूप और गुण में वेरिएशन है इकाई से इकाई में, वैसे ही रूप और गुण के आधार से जीना है उसमें पूरा वेरिएशन है, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ पूरा अंतर दिखाई देता है। तो अभी तो है ना, बट हमारा फोकस वो नहीं है, फोकस है कि हमारी सहस्तित्व क्या है, संबंध क्या है, व्यवस्था क्या है, सहस्तित्व क्या है, इसको हम देख पाए, इसको देख पाते हैं तो फिर हमारे आचरण में सार्वभौमिकता दिखाई देती है, यूनिवर्सैलिटी दिखाई देती है, नहीं तो ये डिफ्रेंशिएशन तो दिखाई देगा ही। थैंक यू। बढ़िया भैया, कुछ प्रश्न है चैट बॉक्स में? हाँ, अपना मैं ना कहें तो क्या सारे मैं एक है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये अपना मैं क्यों कहें, मैं कह रही थी
जैसे मेरा सेल्फ, अभी मदन भैया भी जो बात करते हैं, मेरा सेल्फ क्यों कहें, मैं, मेरा सेल्फ क्या हुआ, तो इसका मतलब जैसे मेरा शरीर वैसे मेरा सेल्फ, तो फिर मैं क्या हूं, तो मैं ही कहें सीधे तो ज्यादा बात स्पष्ट रहेगी। और मैं कहने का अर्थ ये नहीं कि सारे मैं एक हैं, अलग अलग इकाइयां हैं, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं अपने आप में देख रहा हूँ। मेरा सेल्फ कहने से फिर से ऐसा लगता है कि मैं सेल्फ को अपने आप से कहीं अलग पहचानने का प्रयास कर रहा हूँ और अपनी पहचान कहीं अलग बनाई हुई है, तो अपने ऊपर ध्यान चला जाए, इसलिए ज्यादा उपयुक्त होगा कि मेरा सेल्फ ना कहकर मैं कहें मुझ में ऐसा हो रहा है। प्रश्न है, किसी गंभीर परिस्थिति में अपने को संयत गंभीर रखकर परिस्थिति को गंभीरता से संभालना क्या प्री कंडीशन होगा, निर्भर करता है कि आप कैसे संभाल रहे हैं परिस्थिति को, मान्यताओं के आधार पर या समझ के आधार पर। जैसे परिवार में कोई ऐसी घटना हो गई, अशुभ घटना हो गई है ना, अब हम उसको एक प्रकार संभाल सकते हैं, भाई खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, ठीक, और ऐसा कह के हमने बहुत सारी बातें बताई और लोगों को सांत्वना दी और संभाल लिया परिस्थिति को, बट हमने जो बताया वो तो हो सकता है सही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि खाली हाथ जाना है, ज्ञान समाधान के साथ जाना है कि नहीं। तो अभी कई बार हम जब जिम्मेदारी को स्वीकारते भी हैं और निभाते भी हैं, तो हो सकता है समझ के आधार पर नहीं पूरा कर रहे हैं। अभी हम परिवार की जिम्मेदारी स्वीकारते हैं, बट जिस प्रकार से हम पूरा कर रहे हैं वो मान्यता या संवेदनाओं के आधार पर हो सकता है ना। वैसे ही कोई ऐसी घटना घट गई, हमने लोगों को सांत्वना दी, उसके लिए हमने बहुत सारे आध्यात्मिक बातें भी कह दी, बहुत सारे पौराणिक बातें कह दी है ना, बहुत सारा कथा कहानी कह दिया, उससे ना हमें कुछ समझ में आया ना अगले को समझ में आया। उस परिस्थिति में मेरा भी प्रतिक्रियात्मक होना, परिस्थिति को बिगाड़ देना, ये तो ठीक ही है कि वो तो प्री कंडीशनिंग ही होगा। अगर हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं परिस्थिति बिगाड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है, वो तो मान्यता ही है, गलत भाव है। प्रश्न है, स्नेह के साथ जिम्मेदारी या स्नेह के साथ रोना, वही मैंने कहा, अगर मुझे स्नेह का भाव स्पष्ट होता है तो स्नेह किसके प्रति होगा, मैं के प्रति होगा, शरीर तो साधन के रूप में दिखाई देता है, तो स्नेह की भाव की समझ के साथ तो रोना नहीं होगा। बट मैं नहीं कह रहा हूँ कि रोना रोक दे, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हम रोएंगे नहीं मैं कह रहा हूँ हमें समझ होगी तो हम दुखी नहीं होंगे, जब सुखी रहेंगे, अपने आप में आराम में रहेंगे, तो उसका एक तरह का एक्सप्रेशन होगा, आंखों में पानी आएगा भी तो सुख के भाव के साथ, संबंध के भाव के साथ आएगा, अभी दुख के भाव के साथ और उसमें बहुत सारा अधिमूल्यन अवमूल्यन के साथ आता है। तो समझ के साथ भी आंखों में पानी आ सकता है जब हम भाव से भरते हैं, जैसे अभी भी आप देखेंगे कि आप जब अपने भाव पे ध्यान देते हैं और भाव में परिमार्जन के लिए काम करते हैं, तो जहाँ कोई असहज भाव था उसके स्थान पे यदि हमें कोई सहज भाव दिखाई देता है तो पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, आंखों में पानी भी आता है, बट वो दुख के साथ नहीं है। वो जो थकान थी पहले से दुख का, वो जब हटा, जो गलत भाव का प्रभाव था शरीर पे वो हटा, उसका शरीर पे प्रभाव पड़ता ही है। तो सही भाव दिखने के साथ भी आंखों में पानी आता है, इनफैक्ट हमारे पूरे चेहरे की जो एक तरह से लुक है वो बदलने लगती है जब हमारे में सही भाव होता है। अगर हम आवेश में है, क्रोध में है, तनाव में है, द्वेष में है, विरोध में है, तो हमारे पूरे चेहरे का एक्सप्रेशन एक तरह का होता है, हमारे अंदर हर क्षण संबंध का, करुणा का, प्रेम का भाव बना हुआ है, सबके प्रति बना हुआ है, तो चेहरे का एक्सप्रेशन अलग होता है, आंखों में पानी आ ही सकता है। तो कोई प्रश्न है, बीइंग इमोशनल कैन बी क्यूमुलेटिव एक्सप्रेशन टू नीड नॉट बी इंस्टेंट। हाँ, तो अभी अगर हमारे अंदर समझ ना हो संबंध की, तो हमारे अंदर बहुत सारा भाव विचार पहले से बना रहता है, जिस व्यक्ति के साथ जी रहे हैं है ना, उसके बारे में विचार भी कर रहे हैं कि जब तक ये व्यक्ति जी रहा है तब तक तो हमारा सुखपूर्वक जीना नहीं हो पाएगा। अब किसी दिन उस व्यक्ति का शरीर छूट गया तो भी हम दुखी हो रहे हैं, पहले भी दुखी हो रहे थे, अभी भी दुखी हो रहे हैं। तो अभी तो भाव की अस्पष्टता से, समझ के अभाव में हमारे अंदर तो बहुत सारी चीजें है ना दिखाई देती हैं, बहुत सारा मिक्स्ड एक्सप्रेशन दिखाई देता है। सर नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन था कि जो सेंसेशन है वो आउटर वर्ल्ड से ही प्रभावित होती है, जहां तक मैं समझ रहा हूं, मैं और दूसरे मैं से भी प्रभावित होता है, क्या यही सेंसेशन को कह सकते हैं कि इस सेंसेशन से मैं प्रभावित हुआ, यानी कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ही वो प्रभावित ज्यादा होता है और दूसरे मैं से भी, तो उससे उसके बीच में उसका जो पार्टिसिपेशन है
वो सह स्वीकृति से होना चाहिए। सर सही बोला मैंने क्या? वही, ये जो प्रभावित होते हैं तो अगर हम अपने स्वभाव में स्थापित हो जाए तो इस तरह का प्रभाव नहीं बनता फिर हमारे ऊपर, जिसमें उतार चढ़ाव लगा रहता है। सर एक तो बार और रिपीट कर दीजिएगा। यानी हमको संबंध की समझ हो, व्यवस्था की समझ हो, स्थापित्व की समझ हो, तो हम अपने स्वभाव में जीते हैं। जब स्वभाव में जीते हैं तो इस तरह से प्रभावित नहीं होते जैसे अभी होते हैं। फिर स्वभाव के आधार पर हमारे अंदर एक निश्चित प्रभाव बना रहता है जो सुख के रूप में, आराम के रूप में दिखाई देता है। तो अभी है ना, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित होते हैं, शरीर से आने वाली संवेदनाओं से प्रभावित होते हैं, ठीक। और इसलिए हमारे सुख में उतार चढ़ाव लगा रहता है, कभी सुख बढ़ गया कभी घट गया, है ना, ऐसा लगा रहता है, जिसको अभी सुख बोलते हैं। तो अभी इस तरह की उछल पुथल हमारे अंदर बनी रहती है क्योंकि हम इन सब चीजों से प्रभावित रहते हैं, हमारे अंदर सही की समझ नहीं है। सही की समझ हो जाए तो हम ऐसे प्रभावित नहीं होते। जी जी सर, अगर मैंने बच्चों को पढ़ाया कि ये लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी है तो ये सही है? हाँ बिल्कुल, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस तो है। ये जो लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी में फिर वो इवेल्युएशन करना और अधिमूल्य वगैरह अंडर और ओवर एस्टिमेट करना, ये सब उसी से ही रिलेटेड है कि हमें सेल्फ में कितना परिमार्जन लेके व्यवस्था को बनाए रखना। सर सही है ना? हाँ ठीक है। तो अभी अधिमूल्यन अवमूल्यन की स्थिति है, इससे हम निकल पाते हैं, हम सही मूल्यांकन कर पाते हैं, सम्मान कर पाते हैं अपना भी दूसरे का भी। देखिए अगर हमने अपने आप को शरीर माना हुआ है तो हम अपना खुद ही अपमान कर रहे हैं हर क्षण, अपने आप को शरीर मानकर कि नहीं, अपना अवमूल्यन कर रहे हैं, अन्यथा मान लिया अपने बारे में तो अपना कर रहे हैं, दूसरे के साथ जी रहे हैं, दूसरे का भी कर रहे हैं, ओवर इवैल्यूएशन हो गया। पर सर बॉडी में अगर मैं बॉडी को देखूं तो अदरवाइज, मैंने बताया अपने आप को शरीर मान के जी रहे हैं तो अदरवाइज इवैल्यूएशन कर रहे हैं। अच्छा, अदरवाइज इवैल्यूएशन कर रहे हैं। ओके ओके ठीक है सर, अगर बॉडी को लेके कर रहे हैं तो अदरवाइज कर रहे हैं, अपने आप को शरीर मान के जी रहे हैं तो अदरवाइज कर रहे हैं, अपनी समझ के स्तर को ठीक से नहीं पहचान पा रहे हैं तो ज्यादा मान लिया अगर समझ को, जितना समझे नहीं उतना ज्यादा मान लिया अपने को तो अधिमूल्यन कर रहे हैं, है ना, उससे कम आंक लिया तो अवमूल्यन कर रहे हैं। तो इसमें कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था, तो बॉडी में सेंसर है को, क्या सारी बॉडी में सेंसर? मैं कहा स्किन में तो सेंसर है ही है, वो भी आउटर है, और आउटर से भी हमें सेल्फ को ही देखना है। बॉडी से रिलेटेड करेंगे तो फिर वहां पर हम सह स्वीकृति नहीं दे पा रहे अपने मैं को, तो वहां पर बच्चों भी कंफ्यूज हो गए और मैं भी आंसर नहीं दे पाई। जी देखिए, तो पूरे बॉडी का हर एक सेल सेंसर है, तो बॉडी में सेंसर से ऐसा नहीं, बॉडी अच्छा। का हर सेल, हर कोशिका, हर टिश्यू, हर ऑर्गेन सेंसर है क्योंकि उससे मुझे संवेदना आती है। जी जी जी, अब वो संवेदना को मैं कैसे अर्थ देता हूँ ये मेरी समझ की स्थिति पर निर्भर है। समझ पाता हूँ तो निश्चित प्रकार से अर्थ देता हूँ, नहीं समझ पाता हूँ तो उल्टा पुल्टा करता रहता हूँ। धन्यवाद सर। जी बढ़िया जी। तो लेक्चर 10 और 11 में जितनी बात अभी हमने की है मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 में, है ना, उसको ही हम एक बार फिर से रखने वाले हैं, उसको संक्षेप में रखेंगे। इसमें अभ्यास 1 और 2 को भी रिकैप करेंगे बट बहुत ब्रीफली, क्योंकि ऑलरेडी आप उसको सुन चुके हैं और उसके अभ्यास भी कर चुके हैं। तो मॉड्यूल 3 जो है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बींग है। Understanding the human being comprehensively is the first step and the core theme of this course. Human being as coexistence of self and body. इसको हम लोग पहले भी जिक्र किए, इसको भी और है ना आवश्यकता हुई तो और भी इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। इनफैक्ट मैं और शरीर के अस्तित्व को लेकर जितने भी तरह के प्रश्न हैं उन सबको हम लोग ले सकते हैं। फिर मैं की क्रियाओं क्षमताओं के बारे में बात करेंगे। फिर ये भी देखेंगे इस मॉड्यूल में कि मैं लय सामंजस्य किस प्रकार बन पाता है और किस प्रकार नहीं बन पाता, और दोनों में मैं की स्थिति क्या होती है। तो इन सारी बातों पे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे लेक्चर बाय लेक्चर। नमस्ते भैया, डेथ लेके जो बात हुई थी तो फीमेल और मेल का, ये बॉडी का डिफरेंसेस से कुछ आता है बोल के भैया, मुझे उससे ज्यादा मुझे लगता है कि हमारा जो संस्कार है, मेरे अपनी सिस्टर का जो डेथ हुआ 2 साल पहले, मैं भी यूज भी आने से पहले, तो हमारे काफी सारे सिस्टर्स हैं, उनमें से एक का कैंसर हो रहा था,
ढाई साल से, तो उस दिन जब लास्ट दिन की बात कर रही हूँ, तो 8 बजे से उनका गैस्पिंग शुरू हुआ था, तो सबको थोड़ा लगने लगा था तो वो लास्ट होगा। तो मैं उससे 20 दिन पहले ही चली गई थी और मैं बहुत क्लोजली हॉस्पिटल में भी उनके साथ कर ही रही थी उनका। तो मुझे उस दिन ऐसा हुआ कि अभी वो पैलिटिव केयर को डॉक्टर को बुलाना चाहिए, तो उस टाइप के थॉट्स मेरे आ रहे थे। फिर एक मेरी दीदी है, वो आ ही नहीं रही थी इतने दिन, लेकिन उस दिन आके एकदम उनके हेड साइड में बैठ के जोर जोर से चिल्लाना रोना बहुत कर रही थी। और बाकी जो और सबसे बड़ी दीदी है, स्पिरिचुअली थोड़ा इंक्लाइन है, वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल वो सब गाना शुरू कर दी। उनमें से एक दीदी है, वो बोल रही है बेटी को, मेरी जो दीदी का डेथ हुआ उनकी बेटी को बोल रहे, तुम अच्छा सा एक उनके लिए साड़ी निकालो, सिंदूर वगैरह लगाना है। तो बेटी को बहुत दुख लगा कि ये सब अभी क्या है ये सब करना। तो मैं ये डिफरेंसेस की बात कर रही हूँ कि हर एक सिस्टर अलग अलग एक्सप्रेशन से। मुझे ये लग रहा था कि ये जो दीदी रो रही है इतना, उनको थोड़ा बाहर जाए और जो मेरी दीदी का हस्बैंड जो जिनका डेथ हुआ होगा, मतलब ऐसा है, और बेटी को, बेटी यूनिवर्सिटी में है, तो उन दोनों को थोड़ा सा टाइम हम लोग को छोड़ देना चाहिए कि माँ के साथ वाइफ के साथ बैठे और हम लोग थोड़ा सा शांत हो जाए। लेकिन वो वाली दीदी तो रो ही जा रही है, मतलब शी इज द ओनली वन हु इज द लाउडेस्ट। तो ये जो डिफरेंसेस ऑफ एक्सप्रेशन है, तो दुख तो सभी को लग ही रहा था। तो मुझे इसके पीछे खाली मान्यता ही लगता है, और अभी तो और भी वो स्ट्रांगली, मतलब स्ट्रांगली नहीं, अच्छे से थोड़ा समझ पाती हूँ कि कैसे हमारे प्री कंडीशनिंग हम लोग के ऊपर एक्सप्रेशन में काम करता रहता है। तो मुझे, हम लोग तो सारे फीमेल्स थे वहाँ, लेकिन सबका एक्सप्रेशन तो अलग अलग है। बाकी 2-3 दीदी का काफी कंपोज थे, बैठे थे थोड़ा दूर से, चुपचाप बैठे थे, देख रहे थे। तो किसी का स्पिरिचुअल भक्ति गाना गाना, किसी का ये सोच है कि बस ड्रेस पहना दो और सिंदूर लगा दो अभी, मतलब लास्ट वाला फोटो में अच्छे से आए, उस टाइप का। तो मुझे खाली इसमें संस्कार का ही डिफरेंस जो हम लोग धो के आ रहे इतनी, मतलब जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन, कि फीमेल्स की ऐसे ही बिहेवियर सोशली एक्सेप्टेड है तो ऐसे ही करते हैं, देखा देखी भी करते हैं, और मेल्स को थोड़ा सा स्ट्रांग रोना नहीं है, आंसू नहीं दिखाना, इस टाइप का बोलते बोलते शायद ऐसा हो गया कि मेल भी ऐसे ही बिहेव करने लगे। तो मुझे फिजिकल डिफरेंस से ज्यादा, मुझे मतलब ज्यादा नहीं, आपको मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसमें फिजिकल डिफरेंसेस का कोई बात होंगे क्या भैया? फिजिकल डिफरेंसेस का भी है ना, अभी जो एक्सप्रेशन अभी आप देखें तो हमारे बहुत सारे जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, तो सेंसेशन का अलग तरह से प्रभाव रहता है उसमें। कुछ कॉमनलिटी दिखाई देगी आपको फीमेल जेंडर में, कुछ कॉमन चीजें दिखाई देंगी मेल जेंडर में, तो शरीर की बनावट का भी असर है एक्सप्रेशन में। बट ये हो सकता है कि कई सारे अवसर हैं जिसमें हमारे संस्कारों का ज्यादा बड़ा प्रभाव है, जो मान्यताएं हैं उनका ज्यादा बड़ा प्रभाव है, ये भी हो सकता है। तो जैसे अगर देखें तो पुरुषों के साथ है ना, जो शरीर की बनावट है उसके अनुसार ये अपेक्षा होती है कि वो ऐसे अवसरों पर जिम्मेदारी स्वीकारें, जो भी सुविधाओं की व्यवस्था करनी है, लॉजिस्टिक्स है, उन सबको देखें। तो अगर वो बैठकर एक तरह से एक्सप्रेशन देना शुरू करेंगे तो ये सब कौन देखेगा? तो हमारे रोल्स भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं परिवार में, बट उसमें दिखाई देगा कि अभी जिस प्रकार से जीना है उसके आधार पर वेरिएशन है। कहीं पे ऐसा सोसाइटी भी हो सकता है कि फीमेल ही सारा काम कर रही है, जैसे कई बार असम के बारे में बात हुई तो वहां पर उत्पादन का काम भी कर लेती हैं महिलाएं, है ना, घर का भी काम कर लेती हैं, कपड़ा भी बना लेती हैं और इस तरह की चीजें। तो अब जब सुविधा को उपार्जन की जिम्मेदारी ले ली है, जो अभी जान आमतौर पर पुरुषों के पास रहा है समाज में, तो उनकी जो भागीदारी होती है, उनका जो एक्सप्रेशन होता है अलग प्रकार का हो जाता है। तो शरीर की बनावट के आधार पर भी है, जैसा उन्होंने कहा कि भाई शिशु जब उत्पन्न होता है तो माँ के शरीर से उत्पन्न होता है, पिता के शरीर से नहीं। तो शरीर की बनावट के आधार पर हमारा जो दूसरे मनुष्य को देखना है उसमें एक अंतर तो होता ही है अभी सामान्य रूप से। तो जो मान्यता है उनका भी प्रभाव है, शरीर की जो बनावट रचना है उसका भी प्रभाव है। समझ के साथ इन दोनों प्रभावों से हम निकल पाते हैं भैया, बनावट के डिफरेंसेस में हाँ बात तो होता ही है, लेकिन शायद उसके बाद से ही वो जोर दिया गया है कि वो नेचुरल, मतलब फीमेल को आफ्टर बर्थ चाइल्ड बर्थ तो रहना पड़ता है, फीडिंग करना पड़ता है, तो मतलब करते हैं माँ, तो इसीलिए उसके टाइम से ही कि ये मान्यता फिक्स हो गया है कि
फीमेल का रोल है नेचुरल केयर गिवर का और मेल हट जाते हैं क्योंकि ओबार्स के प्रोसेस के बाद तो मेल का रोल नहीं रहता है, बाहर प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर का जो रोल है तो वो फिक्स्ड होके अभी तक वो मान्यता में ही चल रहे हैं। क्योंकि अभी उस दिन की बात करती हूँ, जीजाजी वाज अलोन, तो मतलब वो 20 दिन में उनके साथ जो डॉक्टर्स और ऑक्सीजन ये सब का हम पार्ट थे उसमें, तो मुझे थोड़ा सा प्रोवाइडर टाइप का रोल मुझे मन में, मतलब ज्यादातर मुझे ऐसे ही होता है कोई भी सिचुएशन में, क्योंकि बाहर दौड़ भाग करके मैं अरेंज कर लेती हूँ, लेकिन जो बाकी सिस्टर्स है थोड़ा बाहर नहीं निकलती तो उन लोग का थोड़ा वो है कि हाथ पैर वो कर रहा है, रोए धोए जा रहे हैं। तो ये जो नेचुरल केयर गिवर का रोल फीमेल के बच्चा आफ्टर चाइल्ड बर्थ और बिकॉज ऑफ चाइल्ड बर्थ वो जो एक हुआ था इनिशियली, तो अभी तक भी थोड़ा बहुत वही हम लोग चला रहे, जबकि बहुत ही चेंजेबल रोल है। एक मेल भी अच्छे से नैपी चेंज कर सकते हैं, एक बेबी को केयर ले सकते हैं, अगर जन्म के टाइम से ही पास में है तो बहुत अच्छे से ही कर सकते हैं। कोई माँ का तो फीडिंग नहीं कर पाते हैं फॉर हेल्थ रीजन, तो जैसे माँ भी फीडिंग बॉटल से कराएंगे, कोई मेल फादर भी कर ही सकते हैं, लेकिन हम लोगों का मान्यता ही मुझे लगता है कि ये प्रोटेक्टर प्रोवाइडर और नेचुरल केयर गिवर का हम लोग उसी टाइम से मान्यता कैरी कर रहे हैं अभी तक, ऐसा मुझे लगता है भैया। जी जी, तो अभी मान्यता का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है, ठीक बात है। तो आज उन्होंने अभ्यास दो के स्टेप थ्री को लेकर थोड़ी बात की और उसका मैं और शरीर और उसमें जो मृत्यु की घटना है या कोई अशुभ घटना है उसमें जो एक्सप्रेशन है ना, रोना या नहीं रोना, इन सब चीजों को लेकर हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो इनको और हम बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे और मॉड्यूल थ्री में अब हम लोग मैं और शरीर के अस्तित्व को लेकर और मैं के क्रियाओं को लेकर और विस्तार से बात करेंगे। जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।